This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad. Hello everybody and welcome to GoHash Hyderabad. लॉकडाउन को चलते कहीं माइग्रेंट वर्कर्स परेशान हैं तो कई सारे लोग कारोबार बंद रहने की वजह से परेशान हैं। लोगों का ये मानना है कि बंद कारोबार से उनके पास पैसे नहीं हैं जिंदगी गुजारने के। इसको चलते मलकपेट हैदराबाद के रहने वाले नजीरुद्दीन ने खुदकुशी करने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस के बाहर उन्होंने ये खुदकुशी करने की कोशिश की। अपने आप पर वो पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस पहुंची और इस हादसे को रोक दी। उसके बाद में क्या सर, नाम बोलो पहले, आपका नाम बोलो। मेरा नाम मोहम्मद नजीरुद्दीन है सर। हाँ, क्या क्या बिजनेस है? कारवां पंजाबुटा सर, फुटवेयर का सर, मलकपेट। अच्छा, कारवां शॉप है सर। दो महीने से लास्ट में काम नहीं है, कुछ नहीं है। कारवां पंजाबुटा किराना खोलने का है, किराया जाने का है, जीएमसी टाइप बनना है, किराया देना है, बहुत परेशान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कई सारे बिजनेस को रिलैक्सेशन नहीं मिलने की वजह से इकोनॉमी पूरी गिर चुकी है और ऐसे स्मॉल और मीडियम बिजनेस क्लास के लोग बड़े परेशान हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कहीं ना कहीं कोविड 19 की लड़ाई के साथ साथ वो इकोनॉमी को रिवाइव करने की प्लान्स बाहर लाएं ताकि इस तरह के हादसे पेश ना आए। देखते रहिए GoHash हैदराबाद। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नाउ इन हैदराबाद।